नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे के एम न्यूज टीवी चैनल में। आज बात करेंगे हम उद्योगपति की। वैसे तो भारत में बहुत सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने विदेश में भी अपना नाम किया है, तो आज हम बात करेंगे बीआर सेट्टी के बारे में जिन्होंने इंग्लैंड दुबई में भी अपना नाम किया है। तो आज हम दादाश्री से जानेंगे उनके बारे में। नमस्कार सर, सुनने में आया है कि बीआर सेट्टी है जो बड़े उद्योगपति है जो आपकी संस्था से जुड़े हैं। जी दीदी, आपको चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बी आर शेट्टी हमारे आदर्श है, हमारे पारिवारिक मेंबर जैसे हैं, उनका पूरा परिवार को हम प्रेम करते हैं और हमारी संस्था सदैव उनके प्रति एक आशीर्वाद रूप बनी है। हम मीडिया जगत को ये बताना चाहते हैं कि वो एक बी आर शेट्टी साहब एक ऐसे इंसान है जो आज उनके ऊपर अगर आर्थिक कहीं पर तनाव आ रहा है या उनकी फैक्ट्रियों में कंपनियों में कुछ तनाव वाला माहौल है, तो वो थोड़े दिन के लिए, ऐसे इंसानों के ऊपर जो अगर कोई समय आता है ना, तो वो ठीक है ग्रहों की चाल के वजह से थोड़े दिन के लिए रहता है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। मीडिया के समस्त मैं आपको एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि नवंबर के पहले पहले बी आर शेट्टी साहब उद्योग जगत में फिर अपना नाम कमाएंगे, उनकी खूब प्रगति होगी और जो आज उनके पास हजारों एम्प्लॉय है वो नई रोजी रोटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज तक किसी एम्प्लॉय को उन्होंने निकाला नहीं है, वो सब एम्प्लॉय आज उनके साथ जुड़े हुए, पूरा उद्योग जगत उनके साथ जुड़ा हुआ है। और विदेश में कहते हैं ना दीदी, मैं तो खुद 20 साल से बी आर शेट्टी साहब के वह दुबई में जानता हूँ, तो विदेश में वो उन्होंने एक भारतीयों के लिए कहते हैं ना आदर्श है, उन्होंने बहुत सेवा की है भारतीयों की, वो सब दुआएं लगेगी। और मैं उनके लिए स्वयं यज्ञ कर रहा हूँ, पिछले 25 दिन से रोज़ कंटिन्यू यज्ञ कर रहा हूँ बी आर शेट्टी साहब के लिए, तो उसका भी फल उनको 100% मिलेगा, जरूर मिलेगा। सर, जानने में आया है कि उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। जी बिल्कुल, भारत में उनको अच्छा राष्ट्रपति के हाथों से उनको अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री विजेता है वो दीदी। और पद्मश्री तो आपको पता है कि ऐसे तो मिलता नहीं है, सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं, खूब मेहनत करनी पड़ती है और ईमानदारी से रहना पड़ता है, तभी वो मिला है। और उनको पद्मश्री अवार्ड खाली भारत में नहीं मिला, परंतु उनको यूएई सरकार की तरफ से भी, भारत के भारतीय के लिए जो गर्व की बात होती है, वो यूएई सरकार का सबसे सर्वोच्च अवार्ड वो भी उनको मिला हुआ अबू धाबी में दीदी। और वो अच्छे धार्मिक इंसान है दीदी और उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा है और दादाश्री फाउंडेशन उनके लिए दिन रात यज्ञ कर रही है और यज्ञ के माध्यम से उनको अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, अभी जो उनके बारे में जो बात फैली है, नेगेटिव बात फैली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो सब गलत बात है, उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पर, बहुत अच्छे काम कर रहे दीदी। वो कहते हैं ना, चंद समय आया है तो वो मंदी की वजह से आया है, वरना उनकी वजह से कुछ नहीं है दीदी, बहुत अच्छे इंसान है वो। उन्होंने तो आज तक हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो सब मीडिया में जगत में जो फैलाई गई बातें हैं वो बहुत ही हद तक गलत है, और उनके लिए तो मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ दीदी कि वो खूब प्रगति करें और यज्ञ देवता उनको खूब अच्छा आशीर्वाद दे। हम भी उनके लिए जो दिन रात यज्ञ कर रहे हैं और एक निस्वार्थ भाव से यज्ञ कर रहे दीदी, तो उसका फल उनको मिलना चाहिए। सर, आप लोगों को बी आर सेट्टी के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक समस्त समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इंसान यहाँ से भारत से कुछ नहीं लेके गए थे, सिर्फ अपने तन पर कपड़ा और दिल में एक अच्छा काम करने का जज्बा और भारत का नाम रोशन करने का जज्बा लेके गए थे। वो उस हिसाब से जाने के बाद इंसान यहाँ से 1,000 रुपया भी नहीं लेके गया, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों उसने भारत को दान भी दिया और भारत के अंदर बहुत अच्छा काम भी किया, भारत का नाम रोशन किया। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप और हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए आज जल्दी से, और जो विश्व में जो उनका कारोबार फैले हुए, तो विश्व की जो बैंकिंग सेक्टर है या विश्व के जो बैंक है, वो एक इस नज़र से देखना चाहिए कि भारतीय फिर खड़े हो सकते हैं और भारतीय फिर अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और आने वाले समय में भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका खूब अच्छा कारोबार चले। आपने देखा कि दादाश्री ने कैसे बी आर सेट्टी के बारे में भविष्यवाणी की है, तो उनके बारे में जो भी नेगेटिव बात है वो बिल्कुल झूठी है, उन पर कोई भी ध्यान न दे, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी भी श्रमिक को अपने यहाँ से निकाला नहीं है और उन्होंने विदेश में भी अपने भारतीयों की मदद की है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे के एम न्यूज़ टीवी चैनल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड़ से।